नमस्कार अर्ग सुपरफास्ट सहित अपूर्व आरंभ करने खबर अभियान कोरोना स्थिति ने बीएमसी कमिश्नर प्रेस मीट राजधानी में लॉकडाउन सटडाउन सुफल देखा मिलूँ दैनिक संक्रमण संख्यार लगातार ह्रास घटू कि अमानिया एवं भी लॉकडाउन और सटडाउन नियम मानुना आ किद समस्त लॉकडाउन सटडाउन नियम मानवाक पड़ प्रतिदिन राजधानी में 2000 रु अधिक कोविड बेड खाली रही सेपरि 75 रु अधिक आईसीयू बेड खाली रही कोविड बेड अभाव को नहीं कहीं चिंतित होगा उचित नुहे बीएमसी पक्षर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ने आप लॉन्च करा आप माध्यम रे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं पारे कोविड आक्रांत आप माध्यम रे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घरे पहुंचाइबो बीएमसी बीएमसी पक्षर राजधानी विभिन्न स्थान में टेस्टिंग और ट्रैकिंग प्रक्रिया जारी रही राजधानी में मोट 8,57,330 डोज दि सरला 4-6 सप्ताह मध्य द्वितीय डोज टीका जोगाई दिज्व विभिन्न महल रु ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स रो डिमांड होउची वर्तमान राज्य सरकार सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जोगाई दैछंती एवं पर्टिकुलरली जदि आमे भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखिवा तो राज्य सरकार आमको 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जोगाई दैछंती एवं तापाई आमे गोटे ऐप मध्य डेवलप करिछु से ऐप माध्यम रे लोको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बुक करी परिबे एवं तांको घरे आमे नहीं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर टा पहुँचे देबू ता सहित से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की परि भाव रे से माने यूज करी परिबे तार गोटे लीफलेट मध्य आमे दे परिबू एवं जो माने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज करी परिबे से ऐप माध्यम रे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रो बुकिंग करी परिबे बीएमसी तरफ रु आपण को घरे से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जोगाई दिया जीवो राज्य में थमुनी कोरोना मृत्यु संख्या ओडिशा रे संक्रमण कमुथिले भी मृत्यु संख्या उपर मुहा 24 घंटे आउ 40 जन संक्रमित प्राण हर मृतकों मध्य मयूरभंज सुंदरगढ़ और कटक जिलूर आउ 3 जन लेखाएं रही से अनुगुल बौद्ध झारसुगुड़ा कलाहांडी जिले में 3 जन लेखाएं कोरोना संक्रमित प्राण हर से बरगढ़ बलांगीर और देवगढ़ जिले में आउ 2 जन लेखाएं मृत्युवरण कर गंजाम कंधमाल नयागढ़ और संबलपुर जिलूर कोरोना नहीं जड़े लेखाएं संक्रमितों जीवन राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 29,52 को वृद्धि पाई से गत 24 घंटे में राज्य में चिन्हट होती 7,395 नुआ आक्रांत एमान भितर क्वारेटाइन 4,169 पॉजिटिव थी बेले लोकाल कंटाक्ट केस रही 3,226 खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 1,069 संक्रमित चिन्हट होती कटकु 868 जाजपुर 516 अनुगुल 443 मयूरभंज 384 पुरी 356 चिन्हट होती बाकी सब जिले में 300 भितर रही दैनिक संक्रमण संख्या 9 जिला बलांगीर देवगढ़ ढेंकानाल गजपति गंजाम झारसुगुड़ा कंधमाल नुआपड़ा और सोनपुर में नुआ आक्रांतों संख्या 100 भितर रही राज्य में कोरोना मोट आक्रांतों संख्या 8,06,94 पहुंची राज्य में जून 17 पर आ लॉकडाउन आवश्यकता पड़ ना कि लोकमानक अधिक सतर्क और सचेतन रहा आवश्यक डाक्टर नीरज मिश्र वर्तमान राज्य में 10% पॉजिटिव हार रही जून 17 बेलू पॉजिटिव हार 5% तौक खसी जाइए तेणु आउ लॉकडाउन आवश्यकता पड़ ना केवल किसी कटकणा मध्य अनलॉक प्रक्रिया आरंभ हो भुवनेश्वर में कोवैक्सीन टीका उपलब्ध नथिले कोविशील्ड टीका लोकमानक प्रदान कराऊ मिक्सड डोज दि न जाऊ प्रथम डोज जो टीका नहीं थे द्वितीय डोज मध्य से ही टीका नेवा जरूरी बोली नीरज मिश्र सूचना दी देश में लगातार कमुच कोरोना एप्रिल 6 तारीख पर गोटे दिन में सबुठ कम आक्रांत चिन्हट होते गत 24 घंटे देश में 1,20,529 कोरोना संक्रमित होती या पूर्व एप्रिल 6 तारीख में 1,15,000 आक्रांत चिन्हट होते सेपरि 24 घंटे में आउ 3,380 संक्रमितों जीवन नहीं महामारी 1,97,894 जन कोरोना सुस्थ होती जून 4 तारीख सुधा देश में 22,78,60,000 कोरोना टीका नहीं सारे भिकारी और मानसिक विकारग्रस्त को दि जाऊँगी टीका राजधानी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व जोन दुईट स्थान में टीका दि जाऊे कौन परिचय पत्र नहीं तेणु बीएमसी स्पेशल ड्राइव कर टीका दे आज एठार 60-65 लोकों टीका दि जा आमर
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯେତେ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ସେଲ୍ଟର ଫର୍ ଅର୍ବାନ୍ ହୋମ୍ଲେସ୍ SUH ରହୁଛନ୍ତି, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ବେଗାର ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ BMC ତରଫରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଏଠି ଅନ୍ତେବାସୀ ଆମର ଏଇ ବେଗର ହୋମ୍ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 62-65 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯିବ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପରେ ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। CBSE ପଲିସିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ତର୍ଜମା କରିବେ। ଏହାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଯେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ, ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। CBSE ଏବଂ ICSE ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାହାରିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି, CBSE ICSE କହିସାରିଛି ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବ ତାକୁ ଦିଅ। ଆମ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିବ, କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ଯେଉଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବା 15 ଦିନ ତ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ା ହେଇଯିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାହବ। ପ୍ରକାର କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଭେଟ୍ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି କାହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ସଲାବୁଢ଼ାର ଅଭିନେତା ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରଲୋକ। ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିଛିଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 91 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିନେତା। ସେ 2 ଥର ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫିଲ୍ମ ସଲାବୁଢ଼ାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ। ସଲାବୁଢ଼ାର ବଦଲାରେ ବି ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆକି ଆସିଲେ 1984 ପ୍ରଥମ କୃତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 83 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସଲାବୁଢ଼ା ପିକ୍ଚର ନିଜେ ସଂଳାପ ଲେଖିକି ସେଥିରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍ରେ ସେ ଅଭିନୟ କଲେ। ଆଉ ସେ ସଲାବୁଢ଼ା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚହଳ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାର ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିକ୍ଚର କଲେ ଆଦିମ ବିଚାର, ସେଇଟା ବି ନିଜେ ସଂଳାପ ଲେଖିକି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କଲେ। ତାପରେ ଯାଇକରି 2019 ସଳାବଢ଼ାରେ ବଦଳା ସେଟା ହେଲା, ସେଥିରେ ବି ସେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କଲେ, ତାର ବି ସଂଳାପ ସବୁ ନିଜେ ଲେଖିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ତଥା ନାଟ୍ୟକାର ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ସଲାବୁଢ଼ା, ଆଦିମ ବିଚାର ପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କୁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିବ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଓଡ଼ିଶା କଳା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା ସହିତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ସେପରି ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଷିଆନ କଳାକାର ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣି ସେ ଦୁଃଖିତ ମର୍ମାହତ। ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଅନେକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରି ସେ ଦର୍ଶକ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର, ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷ କାମରେ ଲାଗିଥିବା ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଦୁନିଆ କେ ଟପ୍ 10 କଣ୍ଟ୍ରିଜ ମେ, ଦୁନିଆ କେ ପ୍ରମୁଖ 10 ଦେଶ ମେ ଆଜ ଉସନେ ଅପନି ଜଗା ବନା ଲି ହେ। ସାଥିଓ, କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ କି ବଜହ ସେ ଜୋ ଚୁନୌତିଆଁ ସାମନେ ଆ ରହି ହେ, ଭାରତ ଉସକେ ପ୍ରତି ଜାଗରୁକ ବି ହେ ଔର ସକ୍ରିୟତା ସେ କାମ ବି କର ରହା ହେ। ହମ ଏକ ତରଫ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ ମେ ଏନର୍ଜି ଜଷ୍ଟିସ କେ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଔର ଗ୍ଲୋବାଲ ନର୍ଥ କେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କେ ହିମାୟତି ହେ, ତ ଦୂସରି ତରଫ
अपनी भूमिका का निर्वाहन भी पूरी गंभीरता से कर रहे हैं। भारत ने एनर्जी ट्रांजिशन का एक ऐसा मार्ग चुना है जिसमें हमारी नीतियां और निर्णयों में हार्ड और सॉफ्ट कंपोनेंट्स को दोनों को बराबर महत्व है। अगर मैं हार्ड कंपोनेंट की बात करूं तो भारत द्वारा तय किए गए बड़े बड़े लक्ष्य हो उन्हें लागू करने की अनप्रेसिडेंटेड स्पीड हो, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। आपने देखते अर्घ सुपरफास्ट समय एक ब्रेक। स्वागत। माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को केंद्र आईटी मंत्रालय शेष चेतावनी शेष सुजोग शेष सुजोगर सद्व्यवहार नक देशर आईन अनुजाई भोगिबाकु पड़िब परिणाम। गत फेब्रुआरी मासरे भारत में सक्रिय सबु देशी विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस पठाइथिला केंद्र आईटी मंत्रालय। आईटी मंत्रालय तरफ पठा जाइथिबा शेष नोटिस को जदि अमान्य करे तबे आईटी एक्ट समेत इंडियन पेनाल कोडर विभिन्न दफारे कठोर आईनगत कार्यानुष्ठान सम्मुखीन हो पारे। ट्विटर कोविड कटकणा को भूलीगले बड़चणा विधायकों कर्मी निर्वाचन मंडली विभिन्न कार्यर तदारख समय सामाजिक दूरता नियम को मानि नाहांती विधायक की कर्मी एने बे वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल होबार लागिछे। गोटे बड़े सरकार कोरोना को प्रतिहत करने लॉकडाउन और सटडाउन करुछंती किंतु बड़चणा विधायक श्री अमर प्रसाद शतपथी और दल नेता कोरोना कटकणा को सीधा फू करिछंती। पुणि आसला कोविड कटकणा मानुनथिबा दृश्य नवरंगपुर जिले आसी एभली कटकणा उल्लंघन दृश्य। कोविड कटकणा को अनदेखा करी यात्रा रे एकाठी सामिल होती शहश लोके ए वीडियो बे भाइराल होछे। तबे यात्रा कमिटी ठारु 10,000 टंका जरिमाना आदाय करिछे प्रशासन। नवरंगपुर जिले में कोरोना संक्रमित संख्या बढ़ुवा बेले पर्वप्रवाणी नाम से शहश लोक एकाठी होवार नजर आसुछे। जिलार कोसागुमड़ा ब्लॉक कुसुमपाली ग्राम में कोविड कटकणा सत्वे पालन होइछि गणपर्व बालीजात्रा। एठार हजार हजार लोक एकाठी रुंड होता बेले नाच गीतर आश्रय जमी। राज्य में एभली संगीन स्थित में पर्वपर्वाणी आयोजन नकरिबा निर्देश दे समस्त कटकणा अणदेखा कर नाच गीत में माति ग्रामवासी। खबर पाई कोडिंगा तहसिलदार और कोसागुमड़ा पुलिस पहुंची बालीजात्रा को बंद करने सहित कमिटी ठारु फाइन सह कमिटी विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। कोरोना द्वितीय लहर जो जिले में ढेर वृद्धि पाई संक्रमण हेले बे संक्रमण धीरे धीरे तलमुहा होबार लागिछे। तबे लोकों मध्य सचेतनता अभाव जो संक्रमण वृद्धि पाई तेणु लोकों मध्य सचेतन सृष्टि करने उद्देश्य यूनिसेफ सहयोग द्वारा कटक जिला प्रशासन पक्ष सचेतनता रथ शुभारंभ कर। जिला प्रशासन अधिकारी उपस्थित में भवानी शंकर चैनी यह रथ शुभारंभ करते रथ कटक जिलार समस्त 14 ब्लॉक रे बुली बुली लोकों सचेतन कर। रथ में लोकों सचेतन कराइबा पई ऑडियो वीडियो माध्यम से सचेतन कराइबो। लोके सचेतन हेले ही कोरोना को दूरे पारिबो बुली कहिसेंती कटक जिलापाल। कोविड सचेतनता रथ आज जहाँ को आम फ्लाग अप कलु यह लोक मान भितर सचेतनता आणव कारण कोविड रो जहाँ कि वर्तमान आम ट्रीटमेंट करूचे सबुठ बड़ ट्रीटमेंट हला आमर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जोटा भेरी सिंपल जे एथिरे लोक माने मास्क पिंधिबे हाथ को हैंड सानिटाइजेशन करिबे एवं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिबे। कटक एसपी मेडिकल ने पुणी देखा मिली एक अभावन घटना। मेडिकल डेस्टिच्युट वार्ड रोगी वार्ड बाहर को चली जाते तीन दिन धरी फेरार हो जाते रोगी हेले मेडिकल कर्तृपक्ष किंवा वार्ड में कार्य करुवा कर्मचारी को खबर ना असहाय रोगी को ना खोजा जाऊँ ना किसी खबर अच्छी मेडिकल कर्तृपक्ष पाखे ए रोगी बयस पखापाखि 70 वर्ष होब। वृद्ध जनक किसी दिन होब एसपी असहाय रोगी वार्ड में चिकित्सित होते गत तीन दिन तेज से वार्ड रु चली चली पलि आसते आज तुम कटक नेताजी नगर निकट में किसी स्थानीय लोके चली चली बुलुवार देखिते और समाजसेवी अभिमन्यु को खबर देते अभिमन्यु खबर पाई सेठे पहुंची असहाय वृद्ध को निज गाड़ी में बसई एसपी मेडिकल असहाय वार्ड में नहीं भर्ती करते
मात्र एठारे प्रश्न उठुछि असहाय रोगीक पई हजार हजार टंका खर्च कराउथिबा बळे रोगीक पई कर्मचारी मध्य नियोजित कराउछि ओ ता परे मध्य रोगी बेड रु उठिकि पळे आसुछन्ति तबे कर्मचारी किभळी जानि परु नाहन्ति ओ सिक्युरिटी व्यवस्था केते ढिला ए घटना ताहा प्रमाणित करुछि। भद्रक चांदबाली रे छेप पकाकु नै गोष्ठी संघर्ष जणे मृत चारि गुरुतर। चांदबाली ब्लॉक बांसुला थाना अधीन घंटेश्वर गोपीनाथपुर घटिछे ए घटना। सामान्य छेप पकाइबाकु नै दुई गोष्ठी मध्ये रक्ताक्त संघर्ष होइछे। आक्रमण रे जणकर मृत्यु होइतबा बेले चारि जण गुरुतर होइछन्ति। उभय पक्षरु लोकंकु तिहिडी मेडिकल रे भर्ती करा दैछे। एमकेसीजी कोविड हॉस्पिटल रे केमिति चलिछि आक्रांतक चिकित्सा। कोरोना काल रे सामना को आसिला हृदय स्पर्शी दृश्य। कोविड हॉस्पिटल रे विभिन्न समय रे अव्यवस्था दृश्य आसुछि। यार भितरे दृश्य निश्चय आपणक मनकु छुइब। निज लोकंक परि कोरोना आक्रांतक जत्न नेउछन्ति स्वास्थ्यकर्मी। पीपी किट पिंधि आक्रांतक सेवा करुछन्ति आ आक्रांतक केशरे तेल लगाइ दैछन्ति। एपरकि बेणी मध्य पकाइ दैछन्ति स्वास्थ्यकर्मी। केवल महिला नुहन्ति पुरुष आक्रांतक मध्य जत्न नेउछन्ति स्वास्थ्यकर्मी। दाढ़ी बनाइबा सहित सेविंग मध्य करि दैछन्ति। कोरोना काल रे एपरि दृश्य निश्चित भावे मनकु छुइला। प्रेम विवाह को विरोध। गुंडा लगाई झील को उठाई ने बापघर लोके किसी घटना देखा मिली। केन्दुझर घसीपुरा थाना नारायणपुर गांव में प्रेम बहुत कर प्राय दुई मास हो स्वामी शाशुघर रोकता झील को गुंडा लगे उठाई नहीं बापघर लोके झील को उठाई ने समय शाशु शशुर स्वामी और नणंद निर्धुन पिटिंट भराठिया गुंडा। तेज बोहू को उठाई नापर जे गुंडा को काबू कर पुलिस को हस्तांतर कर परिवार लोके। गांवर दिलीप कुमार परिडा पुह संबित अनुगुल थाना अमलापड़ा अंचल अशोक बेहरा झील ज्योति को भल पाते तेरे ज्योति संबित घर पलि किस ते प्रेम बहुत कर शाशुघरे रोते हेले झीघर यह बाहर राजी न बारंबार झील को नहींजार धमक देते। गतका ज्योतिर भाई दिलीप बेहरा दुईट गाड़ी में गुंडा आनी संबित घर पशि जोर जबरदस्त भौणी ज्योति को उठाई ने सहित संबित परिवार लोक आक्रमण करशीपुरा पुलिस निकट में लिखित अभोग और अटक गुंडार बयान को आधार कर पुलिस यह घटनार तदंत आरंभ कर। पुणि आठ क्विंटाल गंजे जबत। कोरापुट जिला लमतापुट ब्लक में गंजे सह दुई माफिया को धरला पुलिस। तुसुबा गां निकट में दुईज अंतराज्य चोरा चलाणकारी को गिरफ्त कर पुलिस। सेने उत्तर प्रदेश सोनू कुमार और अनिकित सिंह। द्रुतगति में आसुवा ट्रक को पुलिस अटक जांच करने सहित गंजे जबत कर। सोनू कुमार यार मास्टर माइंड पुलिस कहते गंजे यूपी को चोरा चलाणा पुलिस सूचना दी। जाजपुर जिला बिंझारपुर थाना अंतर्गत सुंदरपुर गांव अग्निकाण्ड निया लागी व्यापक संपत्ति नष्ट होइतबा अभियोग होइछे। गांवर उमेश सेठी घरे अग्निकाण्ड घटी घरकरणा सामग्री ठूर आरंभ कर आसवापत्र पोड़ी पाउस होइछे। अग्निकाण्डर प्रकृत कारण जमापड़ी ना खबर पाई स्थानीय दमकल बाहन और ग्रामवासी सहयोग में नियाकु नियंत्रण कर। आसिका सबजेल चली कि हार्डकोर और अपराधी नेटवर्क। दुई दिन ते जेल भितर बाहर पांचटी मोबाइल। अधीक्षक दिलीप कुमार जेना पुलिस जिमा देते आसिका सब जेल आसीस्टांट जेलर ए रामाराव लुचाई रखी आउ दुईट मोबाइल विलंबर दुईट मोबाइल को पैठ कर लुचाई रखि मोबाइल पैठ कलापर जमापड़ा। एने पचार जेल अधीक्षक को जेल सब आसीस्टांट धमक सहित गाड़गुलज कर अभोग होने थाना अभोग पर आसिका जेल सब आसीस्टांट जेलर नाँ में मामला होगा सहित बदली होता सूचना मिली। भुवनेश्वर पावर हाउस छक मर्मंतुद सड़क दुर्घटना। एक कार को सामनारु पिटिला बाइक। बाइक चालक गुरुतर होता बेले अन्य जन आहत होता जमापड़े। उभय को कैपिटल हॉस्पिटल में भर्ती कर शैलेश्री बिहार बालीपाटना जाता बेले कार को सामनारु पिटिला बाइक। दुर्घटन कार सम्मुख भाग भांगि जाता बेले बाइक संपूर्ण चुरमार हो जाए। स्वागत। पदारपुर ढेंकनाल सांसद पालहड़ा विधायकों कंदल। पालहड़ा कोविड केयर सेंटर उद्घाटन बेले सांसद विधायक मुहांमुही। सांसद महेश साहू और पालहड़ा विधायक मुकेश पाल देखा मिली युक्तितर्क। शताधिक गुंडा को नहीं पहुंची मुकेश विधायकों एपरी कार्यक नहीं उठी प्रश्न। दलय कर्मी महल में अप्रकाश पाई असंतोष। मुकेश विरोध में कार्यानुषान दावी कर दलय कर्मी। आज दिन 11 कोविड केयर सेंटर उद्घाटन होबार थिला हेले 10:30 रे पालहड़ा विधायक मुकेश कुमार पाल कर्मी आसी आगुआ फिताकाटी उद्घाटन करते।
दिन 11 सांसद आसी देखला बेलू फिता कथा सरी यापर दुईं मध्य आरंभ होता जुक्तितर्क दुई गोष्ठी मध्य ठेलाफेला होता देखा मिली। राज्य विद्युत ठिकादार संघर कार्यकर्ता और कर्मचारी केन्द्रापड़ा टीपीसीओडीएल निर्वाही जंत्री कार्यालय सम्मुखें प्रतवाद कर सीधासलख टीपीसीओडीएल सीईओ को हेरी टाटा पावर कंपनी विद्युत विभाग को नेबा परे राज्य सबू ठिकादार को निज निज कार्य निवृत्त कर फल राज्यर हजार हजार ठिकादार कर्मचारी हताश हो पड़ते आज एक कार्य केन्द्रापड़ा निर्वाही जंत्री कार्यालय को आसीता बेले केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक जाजपुर समेत अन्यान्य जिलार शताधिक ठिकादार सीईओ को घेरी उत्तेजना पर केन्द्रापड़ा टाउन पुलिस घटनास्थल में पहुंची। बस को 4,46,000 टंका फाइन सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर पुत्रा गाड़ी जांच बेले एक यात्रीवाही बस के फाइन भी पड़ी बस टी राउरकेलू बरगढ़ को फेरुवा बेले पुत्रा परिवहन विभाग सुंदरगढ़ अटकई कागजपत्र जांच कर जांच बेले बस टी 2020 फेब्रुआरी मसू टैक्स दे न प्रदूषण और फिटनेस सर्टिफिकेट नथिबा देखा मिलता तेणु यह समस्त बाबद को उक्त बस को 4,47,000 फाइन कटा निर्णक्षम स्वामी को ठेंगारे पिटी पिटी हत्या कला स्त्री एमती एक अभावन घटना घटी नीलगिरी थाना तेंडा गांव में ग्रामर गुतुबारी सिंह गतकाली रात्रि स्वामी स्त्री मध्य झगड़ा होता कौन घटन उत्क्षिप्त हो स्त्री एक ठेंगारे स्वामी बुटु सिंह मुंड में आघात देते पर बुटु सिंह मृत्यु घटी खबर पाए नीलगिरी पुलिस घटनास्थल पहुंची अभियुक्ता स्त्री को अटक रखी पचराउचरा कर शव जबत पर साइंटिफिक टीम द्वारा तदंत करीलगिरी आईआईसी प्रभंजन बेहरा तेज हत्याकांडर कारण स्पष्ट होना। आज हूँ विश्व परिवेश दिवस यह अवसर में आंतर्जातिक बालुका शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक पूरी बेलाभूमि परिवेश सुरक्षा बालुका कला माध्यम एक सुंदर बार्ता देते सेपर अंतर्जात बालुका शिल्पी मानस कुमार साहू पूरी बेलाभूमि एक सुंदर और आकर्षणीय बालुका कला निर्माण कर इको सिस्टम रेस्टोरेसन को गुरुत्व बालुका कला निर्माण करते बालुका कलार वृक्षरोपण कर दृश्य देखा सह धरित्री किपरी सबु जिमें भरपूर हो अत्यंत सरस सुंदर हो तो समस्ते गच्छ लगे अम्लजान अभाव रहा बार्ता देते बालुका कला निर्माण करने को मानस साहू को 7 घंटा समय लगी बालुका कलाटी 20 फुट ओसार विशिष्ट और ए 15 टन बाली व्यवहार कर समस्त रही बुलेटिन के रखु नमस्कार।